इंटीग्रेशन बाई पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रहे हैं। आइए उसके अगले चरण में और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है 2 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेंजेंट क्यूब थीटा। यहाँ पर हम लेट टेंजेंट थीटा का मान जेड मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा का मान डी जेड आ जाएगा। अगर ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा 2 प्लस में जेड स्क्वायर डी जेड और आपको उनमें आ रहा है 1 प्लस जेड क्यूब। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनाएंगे, इसके लिए हम जेड स्क्वायर प्लस में 2 ये क्वांटिटी है इसको और नीचे जेड क्यूब प्लस 1 इसको ले रहे हैं। अब इसके फैक्टर बनाएंगे जेड स्क्वायर प्लस 2 जेड प्लस में 1 और इसके फैक्टर बन रहे हैं जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। दो फैक्टर बन गए हैं, पहले ए अपॉन जेड प्लस 1 रखेंगे और जो दूसरा फैक्टर इसमें 2 पावर है तो इसमें यहाँ पर बी जेड प्लस में सी अपॉन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 लिखा है। अब एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो जेड स्क्वायर प्लस 2 का मान आ जाएगा ए, इसकी मल्टीप्लाई में आएगा ये संख्या जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 प्लस में ये जो दूसरी संख्या है बी जेड प्लस में सी, इसके मल्टीप्लाई में ये जेड प्लस 1 आ जाएगा। अब वैल्यू निकालेंगे ए बी सी की, पहले पुट करके निकालेंगे, जो वैल्यू पुट करके निकालनी है वो पहले वो को निकालनी है। पुटिंग जेड इज इक्वल टू माइनस 1, इसको 0 रखेंगे तो जेड का मान माइनस 1 आएगा, माइनस 1 रख देंगे तो इधर ये 1 प्लस 2 आ जाएगा, इधर ए के मल्टीप्लाई में ये 1 प्लस 1 प्लस 1 और ये बी प्लस 0 हो जाएगा। तो ऐसे करेंगे तो 3a इज इक्वल टू 3, ये 3 है वो भी 3, सोल्व करने पर a का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। ऐसे ही दूसरी वैल्यू निकालने के लिए अब हमको कोएफिशिएंट इक्वेट करने पड़ेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ जेड स्क्वायर, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ जेड स्क्वायर जो सबसे बड़ी पावर है उसकी कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे। इधर कोएफिशिएंट 1 मिलेगा जेड स्क्वायर का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस b आएगा। a की वैल्यू अगर हम यहाँ 1 रख दें तो 1 बराबर 1, जो a की वैल्यू आई है प्लस b, तो इससे हमारे पास सोल्व करेंगे तो b का मान 0 आ जाएगा। अब इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म्स, कॉन्स्टेंट टर्म्स में इधर हमारे पास 2 है, इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो a आएगा, c को a से कॉन्स्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो c आएगा। यह a के स्थान पर 1 रखेंगे तो 2 बराबर 1 प्लस c, सोल्व करने पर c का मान हमारे पास 1 आ गया है, b की वैल्यू भी आ गई है, c की वैल्यू भी आ गई है। ये सब वैल्यू उठा के हम अगर यहाँ पुट कर दें तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बन जाएगा जेड स्क्वायर प्लस में 2 अपॉन में जेड क्यूब प्लस 1, ए के स्थान पर 1 है तो 1 पुट करेंगे तो 1 बाई जेड प्लस 1 आ जाएगा, प्लस बी के स्थान पर 0 रख दिया है और सी के स्थान पर रखा है 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 आ गया है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, सब संख्याओं के साथ इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड हम ऐड कर देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन हो गया है, लॉग ऑफ जेड प्लस 1 हो गया है ये संख्या, इसको हमको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसके हाफ को जो है मल्टीप्लाई करके और जो है जेड के हाफ को कोएफिशिएंट के हाफ को जो करेंगे तो ये 1 बाई 4 आ जाएगा और ये प्लस में 3 बाई 4 आ रहा है, तो ये लॉग ऑफ जेड प्लस 1 प्लस में ये हमारे पास इसका आ जाएगा जेड माइनस में 1 बाई 2 का स्क्वायर आ रहा है और प्लस में ये क्वान्टिटी है ये रूट 3 बाई 2 का होल स्क्वायर हो गई है। इसके ऊपर अब हम फार्मूला लगाएंगे, टेंजेंट इनवर्स वाला फार्मूला बन गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा लॉग ऑफ जेड प्लस 1 प्लस 1 बाई ए, ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ रूट 3 बाई 2 है, रूट 3 बाई 2 लिख दिया, टेंजेंट इनवर्स जेड माइनस में 1 बटे 2 डिवाइडेड बाई रूट 3 बाई 2 और प्लस में कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी आ जाएगा, लॉग ऑफ जेड प्लस 1 ये ऊपर जाएगा तो 2 बाई रूट 3 टेंजेंट इनवर्स और ये हमारे पास 2 जेड माइनस में 1 और अपॉन में रूट 3 आ गया प्लस सी। और अगर हम अब इसमें जेड की वैल्यू रख दें तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा प्लस में 1 प्लस 2 बाई रूट 3 टेंजेंट इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा माइनस 1
आप कौन में रूट थ्री और प्लस में कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है, लेट टेंजेंट थीटा का मान या हम जेड मानेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा का मान डी जेड है, यहाँ रख देंगे तो डी जेड और नीचे जेड क्यूब प्लस में फोर जेड, ये आ रहा है हमारे पास डी जेड डिवाइडेड बाई जेड कॉमन ले लेंगे तो ये जेड स्क्वायर प्लस में फोर, ये इसके फैक्टर बन गए हैं। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, उसके लिए जेड जेड स्क्वायर प्लस फोर ये रकम हमने ले लिया है, ए अपॉन तो जेड आ गया है प्लस में बी जेड अपॉन सी डिवाइडेड बाई जेड स्क्वायर फोर है प्लस फोर है, एलसीएम लेंगे इसका। एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा हमारे पास वन इज इक्वल टू ए जेड स्क्वायर प्लस में फोर और प्लस में बी जेड प्लस में सी, इसको इधर जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैल्यू निकालने के लिए बी सी की पहले पुट करेंगे, पुटिंग जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से जेड बराबर जीरो आ जाएगा, एक बराबर ए जीरो प्लस में फोर, ये प्लस में बी जीरो बन जाएगा सारा, यहाँ से हमारे पास ए का मान एक बटे चार आ जाएगा। अब कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ जेड स्क्वायर, उधर जेड स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, इधर ए है और इसमें बी है, ए के स्थान पर वन बाई फोर रखेंगे तो यहाँ से हमारे पास बी का मान माइनस वन बाई फोर आ जाएगा। ऐसे ही इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स, कॉन्स्टेंट टर्म्स यहाँ सी नहीं आएगा, यहाँ जेड की टर्म को इक्वेट करनी पड़ेगी। इक्वेटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ जेड, कॉन्स्टेंट टर्म में यहाँ जेड आएगा नहीं, सी आएगा नहीं, हम सी की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड के साथ बनाएगी, तो जेड कोएफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इधर जेड का कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसमें भी जेड का कोई नहीं है, इधर केवल सी है, तो इससे हमारे पास सी का मान जीरो आ गया। ए बी सी की वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बन जाएगा वन बाई जेड जेड स्क्वायर प्लस फोर, ए के स्थान पर हमारे पास वन बाई फोर है, वन बाई फोर रख दिया, बी के स्थान पर हमारे पास माइनस वन बाई फोर है, माइनस वन बाई फोर रख दिया, सी की वैल्यू हमारे पास जीरो रख दिया है, जेड स्क्वायर प्लस में फोर है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन का निशान और डी जेड इसके साथ ऐड कर रहा हूँ, ये तो हमारे पास बन गया है वन बाई फोर डी जेड अपॉन जेड, यहाँ से वन बाई फोर कॉमन ले लिया है, ये माइनस वन बाई फोर ये जेड डी जेड आ रहा है और नीचे जेड स्क्वायर प्लस फोर है, इस पर एक पावर है, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है वो टू जेड है, तो डिफ्रेंशिएशन पूरा बनाने के लिए हम इसको दो से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो से डिवाइड कर रहे हैं, अब इंटीग्रेशन हो गया है ये वन बाई फोर लॉग जेड माइनस में वन बाई एट लॉग ऑफ जेड स्क्वायर प्लस फोर और प्लस सी। अब हम जेड की वैल्यू रख देंगे, जेड के स्थान पर हमने टेंजेंट थीटा मान रखा है तो ये लॉग ऑफ टेंजेंट थीटा आ जाएगा, माइनस वन बाई एट लॉग ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में फोर और प्लस में सी, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया, जहाँ भी जेड माना था वहाँ पर हमने टेंजेंट थीटा पुट कर दिया। अगला क्वेश्चन लिया हमने, यहाँ पर क्यूब है दोनों जगह, पहले इसका क्यूब खोलेंगे, क्यूब खोलेंगे तो हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन आ गई, और इस नीचे वाले को खोलेंगे तो इसका क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस में थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन आएगा और डी एक्स, इसके साथ अब बराबर पावर होने की वजह से भाग देंगे, भाग देंगे तो माइनस एक पर तो भाग जाएगा प्लस में सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में टू, ये रिमाइंडर बचेगा, नीचे वन माइनस एक्स का क्यूब है, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, इसको दो भाग बांट देंगे, माइनस में डी एक्स और प्लस में है सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में टू डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स का क्यूब डी एक्स, ये तो इंटीग्रेशन इसका तो सीधा एक्स हो जाएगा, इसके हमको पार्शियल फ्रैक्शन करने पड़ेंगे, तो इस संख्या को ले रहा हूँ मैं पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, टू एक्स सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू वन माइनस एक्स का क्यूब है, पहले एक कॉन्स्टेंट लिखेंगे उसके अपॉन में एक माइनस एक्स की पावर वन, बी अपॉन वन माइनस एक्स का स्क्वायर आएगा, फिर सी आएगा वन माइनस एक्स का क्यूब, एक एक पावर बढ़ाते चल रहे हैं, उसके बाद में इसका एलसीएम लेंगे सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस टू, ए के मल्टीप्लाई में इसका भाग देंगे तो एक माइनस एक्स का स्क्वायर बच जाएगा, बी के मल्टीप्लाई करेंगे दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, एक माइनस एक्स बन जाएगा, और सी के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा कैंसिल हो गया कि सी आ जाएगा। पहले वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालनी है, पहले पुट करेंगे, पुटिंग
एक्स इजिकल टू वन, यहाँ वन पुट कर देंगे तो एट आ जाएगा, यहाँ वन करेंगे जीरो, ये भी जीरो, तो सी का मान हमारे पास एट आ रहा है। अब इक्वेट कोफिशेंट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशेंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर, जो सबसे बड़ी पावर है उसके कोफिशेंट इक्वेट करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी एक्स है, एक्स स्क्वायर है, इसका छः आ रहा है, इसका स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक्स स्क्वायर आएगा, एक का मान हमारे पास छः आ जाएगा। ऐसे ही अब हम जो है कॉन्स्टेंट टर्म्स इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट टर्म, कॉन्स्टेंट टर्म इक्वेट करेंगे तो इधर हमारे पास दो आएगा, इधर ए आएगा, प्लस में बी आएगा, प्लस में सी। ए बी की वैल्यू अगर हम यहाँ रख दें दो बराबर ए, ए की वैल्यू हमको हमारे पास छः आई हुई है, बी की वैल्यू हमारे पास आठ आई हुई है, बी की वैल्यू हमको निकालनी है और सी की वैल्यू हमारे पास आठ आई हुई है, तो इसको सोल्व करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास माइनस में 12 आ जाएगी। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस में टू वन माइनस एक्स का क्यूब बराबर ए, ए की वैल्यू हमारे पास सिक्स है तो एक माइनस एक्स आ गया, बी की वैल्यू हमारे पास माइनस में 12 है, वन माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, सी की वैल्यू हमारे पास एट है, ये वन माइनस एक्स का क्यूब आ गया। ये वैल्यू उठा करके अब हमको यहाँ रखनी है, यहाँ से हमने क्वेश्चन लिया था तो यहाँ रख देंगे इसका उत्तर, तो कुल मिला के हमारे पास आई जो हमारा इंटीग्रल है वो आ जाएगा, आई बराबर आ जाएगा माइनस में डी एक्स प्लस में सिक्स वन माइनस एक्स माइनस में 12 वन माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में एट वन माइनस एक्स का क्यूब। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए इंटीग्रेशन का निशान और डी एक्स हर जगह ऐड कर देंगे तो हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया है माइनस में एक्स प्लस में ये सिक्स लॉग ऑफ वन माइनस एक्स और अंदर का वन माइनस में ये माइनस और आएगा यहाँ पर एक्स का तो ये माइनस हो जाएगा। ऐसे इसको करेंगे माइनस 12 हमारे पास है, एक माइनस एक्स, इस पर दो पावर ऊपर ले जाएंगे तो माइनस एक पावर अपॉन में नीचे माइनस एक और इस एक्स के नाम का माइनस एक और आएगा। ऐसे ही ये हमारे पास एट है, वन माइनस एक्स की पावर ऊपर माइनस तीन है, माइनस दो पावर माइनस दो नीचे और इस एक्स के नाम का माइनस एक और आएगा, उससे डिवाइड कर दिया है। कुल मिला के हमारे पास इंटीग्रल आ गया माइनस एक्स माइनस में सिक्स लॉग ऑफ वन माइनस एक्स, ये प्लस हो गया है तो माइनस में 12 वन माइनस एक्स और ये आ गया है दो काट देगा ये आठ को चार से कट गया है और एक माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस में सी, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया है। पार्शियल फ्रैक्शन करना है, इंटीग्रेशन आसान है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन लिया ही हमने, इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ से एक्स कॉमन ले लेंगे तो एक्स की पावर चार माइनस एक बन जाएगा, एक्स की चार माइनस एक फिर टुकड़े बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन के फिर बनाएंगे तो एक्स माइनस प्लस वन और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये इसके फैक्टर्स बन गए हैं। पहले एक्स कॉमन लिया, एक्स की चार माइनस एक का एक्स स्क्वायर प्लस एक और फिर दोबारा एक्स स्क्वायर माइनस एक के दोबारा बना दिए तो मैक्सिमम जितने फैक्टर बन रहे वो फैक्टर बनाने हैं। उसके बाद इसके पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, ये एक्स है एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक और एक्स स्क्वायर प्लस एक, सबसे पहले ए अपॉन एक्स है प्लस में बी अपॉन एक्स माइनस वन है फिर सी अपॉन एक्स प्लस वन है और उसके बाद डी ई डी एक्स प्लस में ई है और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन है। यहाँ पर पांच कॉन्स्टेंट है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है ये। एलसीएम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस दो, ए की मल्टीप्लाई में आ जाएगा, सब संख्याएँ आ जाएंगी तो ये हमारे पास एक्स माइनस एक, एक्स प्लस एक, एक्स स्क्वायर प्लस एक आया है। बी के मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है। सी के मल्टीप्लाई में हमारे पास एक्स आएगा, एक्स माइनस एक और एक्स स्क्वायर प्लस वन आ रहा है और डी एक्स प्लस में ई के मल्टीप्लाई में हमारे पास आएगा एक्स एक्स माइनस एक और एक्स प्लस एक। पहले वैल्यू जो है कॉन्स्टेंट की पुट करके निकालनी है, सबसे पहले यहाँ से पुट करेंगे, पुटिंग एक्स बराबर वन, वन रख कर देंगे तो वन माइनस में टू, यहाँ ये वन करेंगे जीरो आ जाएगा, इसके अंदर यहाँ भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो आ जाएगा, यहाँ यहाँ वैल्यू बचेगी बी एक एक जमा में एक और ये भी एक जमा में एक तो ये दो दो चार हो जाएगा, चार भी उधर माइनस एक। सोल्व करेंगे तो
तो बी का मान हमारे पास माइनस में 1/4 आ जाएगा। अब अगला पुट करेंगे, पुटिंग एक्स बराबर यहाँ से 0 पुट कर दें तो ये हमारे पास -2 आ रहा है, इसमें 0 पुट करेंगे तो ए के गुणा में आ जाएगा हमारे पास -1, यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये 1 आ रहा है, यहाँ 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा और बाकी सब संख्याएँ 0 बन जाएंगी, 0+0 हो जाएंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आया है ए की वैल्यू सोल्व करने के बाद में 1/2 आ जाएगी, 1/2 नहीं 2 आ जाएगी, इधर -1 आएगा ये और इधर ये, तो 2 कैंसिल होकर गए, माइनस कैंसिल होकर गए, ए का मान हमारे पास 2 आ गया। अगली वैल्यू निकालने के लिए पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -1, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे तो ये 1-2 इधर ही आ जाएगा, ये पुट करेंगे 0 -1 में ये भी 0 आ जाएगा, -1 में ये भी 0 आ जाएगा, सी गुणा -1, यहाँ -1 करेंगे तो -2, -1 करेंगे तो ये 2, कुल मिला के हमारे पास ये इधर 4 बन गया, 4 से इधर -1, सोल्व करें तो सी का मान हमारे पास -1/4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमको करना है, तो कौन फ्लोर बचे हैं, अब हम इक्वेट करेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स के, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की 4 की कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं, एक्स की 4 में इधर कुछ नहीं आएगा, इसको करेंगे इसमें यहाँ पर हमारे पास ए आएगा, अगले में बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर डी आएगा, सब कोफिशिएंट आ जाएंगे, ए बी सी डी जो वैल्यू हमारे पास है वो यहाँ रख देंगे, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू हमारे पास 2 है, बी की वैल्यू -1/4 है, सी की -1/4 है और प्लस में डी, तो यहाँ से हमारे पास ये डी की वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास हाफ हो गया 3/2, डी की वैल्यू माइनस में 3/2 आ जाएगी। अब हमारे पास एक वैल्यू बच रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू बच रही है, कॉन्स्टेंट वैल्यू निकालने के लिए हम कोफिशिएंट्स को एक्स की कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स, इधर एक्स की कोई टर्म नहीं है, 0 है, इसमें जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एक्स की कोई टर्म नहीं आएगी, इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें एक्स आएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स आएगा और इसको करेंगे तो ये प्लस -1, यहाँ माइनस आएगा, तो इस तरह से हम इसको इक्वेट कोफिशिएंट करें तो ये आ जाएगा 0=0, प्लस में बी का कोफिशिएंट आएगा, -c और -e की वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास बी की वैल्यू -1/4 है, सी की वैल्यू -1/4 है, तो ये प्लस हो जाएगा और माइनस में ई बराबर ये इधर 0 है, सोल्व करने के बाद हमारे पास ई का मान 0 आ जाएगा। अब ये वैल्यू उठा करके हम यहाँ पर रख देंगे, ये जो है इसके लिए रखेंगे, ए बी सी डी की जो वैल्यू निकाल दी वो यहाँ पुट कर दिया है, अब इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन का निशान और डी एक्स इसके साथ ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास ये जो ऑप्शन बन गया है ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका 2 log x आ गया है, -1/4 इसका आ जाएगा log x -1 और ये सी की वैल्यू हमारे पास 1/4 है तो ये -1/4 log x +1 आ गया है। ये संख्या हमारे पास -3/2 है, x है और x²+1 dx है, इस संख्या में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारे पास एक पावर आ गई है। इंटीग्रेट करने के बाद में अब हमारे पास इसका उत्तर आ जाएगा 2 log x माइनस, इन दोनों संख्या में से अगर मैं 1/4 कॉमन ले लूँ तो ये हमारे पास आ जाएगा log(x-1) गुणा में x+1, तो इसको x²-1 एक बार लिख दिया है, माइनस में 3/4 और log(x²+1 प्लस में सी, तो ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया है। अगला क्वेश्चन लिया है, पहले इसको संख्या में थोड़ा चेंज कर रहे हैं, जैसी संख्या नीचे है वैसे ऊपर बना रहा हूँ मैं, 2x²+2+1 इसके 2 टुकड़े बढ़ा दिए 3 के और नीचे आ रहा है x²+1 होल स्क्वायर dx, ये यहाँ तक की संख्या एक बनाएंगे, इसको अलग बढ़ाएंगे, इसमें से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा x²+1 और नीचे x²+1 होल स्क्वायर आ रहा है dx, प्लस में दूसरे पार्ट में ये अपन ये करेंगे dx/x²+1 होल स्क्वायर, इसकी एक पावर कैंसिल हो गई, ये तो टेंजेंट इनवर्स का फार्मूला बन रहा है, ये हमारे पास आ जाएगा
टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में ये वाली जो संख्या है यहाँ पर हम लेट एक्स बराबर टेंजेंट थीटा मान लें तो ये हमारे पास डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो डी एक्स के स्थान पर आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे एक्स के स्थान पर टेंजेंट थीटा मानेंगे तो टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस वन इसका होल स्क्वायर आ गया। आगे इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस ये भी हमारे पास सीकेंट स्क्वायर थीटा बन रहा है, सीकेंट की पावर चार है, ऊपर सीकेंट स्क्वायर थीटा है तो डी थीटा अपॉन ये सीकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस ऊपर ले जाएंगे तो ये कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा बढ़ जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा को हम बार बार इंटीग्रेट कर चुके हैं, कोस थीटा को इंटीग्रेट करने के लिए हमको इसको पावर कटानी है, वन प्लस में कोस टू थीटा डिवाइडेड बाई टू डी थीटा। अब इंटीग्रेट करेंगे तो ये टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू करेंगे तो वन बाई टू डी थीटा का थीटा प्लस वन बाई टू कोस दो थीटा का इंटीग्रेशन होगा साइन दो थीटा और टू थीटा के नाम का टू प्लस में सी आ रहा है तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस वन बाई टू, ये थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास वहाँ से टेंजेंट इनवर्स एक्स आ जाएगी प्लस में वन बाई फोर है या साइन टू थीटा है जबकि वैल्यू हमको टेंजेंट थीटा की दी हुई है तो साइन टू थीटा का वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें टेंजेंट थीटा आता है, उसका फार्मूला होता है टू टेंजेंट थीटा वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, इसमें हम एक्स की वैल्यू रख देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा ये दोनों वैल्यू करने के बाद में फाइव बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस में वन बाई फोर ये टू एक्स और वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में सी, ये दो कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा आंसर इसका वन बाई टू एक्स वन प्लस में एक्स स्क्वायर। तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है जैसी संख्या यहाँ नीचे है वैसी ऊपर बनानी है, दो पार्ट करके एक को वैसे सोल्व करना है एक को पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले जैसा क्वेश्चन है, इसके भी दो टुकड़े करेंगे टू एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस ये इसके अपॉन में करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में फोर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर डी एक्स, ये एक पावर कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बच जाएगा टू एक्स क्यूब डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में फोर का होल स्क्वायर प्लस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में फोर, ये तो फार्मूला बन रहा है इसको सोल्व करना पड़ेगा या वैसे मानेंगे लेट एक्स इज इक्वल टू टू टेंजेंट थीटा मानेंगे, यहाँ फोर है तो यहाँ अगर हम टू ले लेंगे तो ये फोर आ जाएगा स्क्वायर कॉमन फोर कॉमन लेने के बाद फार्मूला बन जाएगा, तो यहाँ पर हमको एक्स बराबर टू टेंजेंट थीटा लेना है, डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा टू एक्स क्यूब का मतलब दो का क्यूब आठ टेंजेंट क्यूब थीटा, और डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है टू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में हमारे पास जो कंटेंट आ रहा है एक्स स्क्वायर का मतलब फोर टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस में फोर है इस सारे का होल स्क्वायर है प्लस में ये वाली टर्म है इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, ये दो का स्क्वायर है तो फार्मूला बन रहा है वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बटे दो, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमने यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन कर दिया। अब हमको इसको सोल्व करना है, इसमें से हम चार कॉमन लेंगे तो चार का स्क्वायर सोलह हो जाएगा, सोलह कैंसिल हो जाएगा तो यह हमारे पास टू बच जाएगा, यहाँ पर टेंजेंट क्यूब थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे ही हमारे वन पर ये नीचे हमारे पास आ जाएगा सीकेंट की पावर फोर थीटा, फोर कॉमन आ गया टेंजेंट वन प्लस टेंजेंट सीकेंट स्क्वायर की पावर फोर आ गया है प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी। अब इसको सोल्व करेंगे सीकेंट की दो पावर कैंसिल हो गई, बाकी संख्या को साइन कोस में कन्वर्ट कर रहे हैं, अभी आगे यहाँ पर दो है ये टेंजेंट क्यूब है, इसको मैं साइन क्यूब थीटा अपॉन में कोस क्यूब थीटा लिख रहा हूँ, और जो वन अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा बच रहा है ये एक सीकेंट स्क्वायर रहा तो ये कोस स्क्वायर थीटा ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास ये डी थीटा बच गया है और प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी, इसकी दो पावर कट रही है तो दो एक पावर बच रही है तो इसको मैं लिख रहा हूँ वन माइनस में कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन में
कोस थीटा डी थीटा प्लस वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में सी। यहाँ पर कोस की एक पावर काट दी है और जो साइन क्यूब थीटा है उसका एक साइन क्यूब एक साइन अलग कर दिया, बाकी को कोस में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद में अब हम यहाँ पर लेट कोस थीटा को जेड मान लें तो ये हमारे पास आएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा बराबर डी जेड। तो ये माइनस इधर ले आया हूँ तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाएगा माइनस डी जेड तो माइनस आ रहा है, वन माइनस में जेड स्क्वेयर इस क्वांटिटी की वैल्यू माइनस डी जेड आ गई है तो ये माइनस लिख दिया यहाँ पर और नीचे जेड है, प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस ही है। ये इंटीग्रेशन अब हमारे पास आ गया है, इसको लिखेंगे अब माइनस में टू वन बाई जेड और माइनस में जेड डी जेड प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस ही या रहा है माइनस दो। ऐसे कैसा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग जेड माइनस में जेड स्क्वेयर अपॉन टू प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस ही। अब वैल्यू रख देंगे माइनस में टू लॉग जेड की वैल्यू हमने कोस थीटा मानी है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास जेड स्क्वेयर का मतलब कोस स्क्वेयर थीटा हो गया प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस ही। हमने यहाँ पर जो जेड की वैल्यू मानी थी वो पुट कर दी है, हमने जो है शुरू माना था एक्स बराबर टू टेंजेंट थीटा उस ट्राइंगल निकाल करके ये हमने ये ट्राइंगल बना ली। इसकी सहायता से अब यहाँ वैल्यू रखेंगे माइनस में दो लोग कोस थीटा की वैल्यू ऐसा आ जाएगी टू अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर थीटा में ये फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर होगा तो इसका रूट हट जाएगा प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में सी। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, ये आएगा माइनस में टू लॉग टू ऊपर की संख्या कर दिया है, अब करेंगे प्लस में टू लॉग ऑफ फोर प्लस में एक्स स्क्वायर और इसके ऊपर रूट लग रहा है, रूट को हटा करके हाफ और लिख रहा हूँ प्लस में फोर बाई फोर प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस सी है। ये जो वैल्यू है ये कॉन्स्टेंट है, ये भी है, ये दोनों कॉन्स्टेंट, इन कॉन्स्टेंट्स को हटा करके एक नया कॉन्स्टेंट रख दूंगा, ये वन बाई टू पावर है, ये हमारे पास आ जाएगी लॉग ऑफ फोर प्लस में एक्स स्क्वायर, ये वन बाई टू पावर नीचे आ जाएगी कैंसिल हो जाएगा प्लस में फोर अपॉन फोर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू प्लस में ये दोनों कॉन्स्टेंट हैं इनको मान के एक बड़ा कॉन्स्टेंट रख दिया है तो उत्तर हमारे पास आ रहा है लॉग ऑफ फोर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में फोर अपॉन फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में वन बाई टू टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई टू और प्लस में कैपिटल सी। ये इसका आंसर हमारे पास आया है। अगला क्वेश्चन है, ये पहला पार्ट लिया है, ये दूसरा पार्ट लिया लॉग में, तो इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे। लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन पहली संख्या ऐसे कैसे लिखी है, दूसरी संख्या एक्स स्क्वायर बटे दो का इंटीग्रेशन आ गया, इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा एक्स क्यूब प्लस वन और इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। तो क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन इसके गुणा में एक्स स्क्वायर बाई टू दो है माइनस में थ्री बाई फोर टू है एक्स की पावर फोर एक्स क्यूब प्लस वन डी एक्स, इसमें बड़ी पावर है तो पहले इसको भाग देंगे, तो भाग देने के बाद में हमारे पास जो क्वेश्चन आ जाएगा वो थ्री बाई टू भाग देने पर जो है एक्स पर भाग जाएगा और एक्स शेष बचेगा एक्स क्यूब प्लस वन। ये क्वेश्चन बन गया है एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस में वन, दो पार्ट हो गए क्वेश्चन के, थ्री बाई टू एक्स डी एक्स और प्लस में ये थ्री बाई टू एक्स डी एक्स और एक्स क्यूब प्लस वन, ये भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसके अब हमको पार्शियल फ्रैक्शन करने हैं, इस संख्या का पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे, इसको ले लिया है फिर इसके फैक्टर कर लिए हैं ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस में बी एक्स प्लस में सी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। एल सी एम ले लेंगे तो एक्स इसके इधर आ जाएगा हमारे पास ए के मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक प्लस में
बी एक्स प्लस सी और उसकी मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन आ जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे अब, सबसे पहले पुटिंग एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ से माइनस वन आएगा तो माइनस वन, या माइनस वन रखेंगे तो ये थ्री आ जाएगा। सोल्व करने के बाद ए का मान माइनस में एक बटे तीन आ गया। उसके बाद में हमको जो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए इक्वेटिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट करेंगे उधर कोई नहीं है, इधर ए है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी करेंगे आएगा, यहाँ से बी की वैल्यू रखेंगे तो बी अब बराबर हमारे पास वन बाई थ्री आ रहा है। अब हमको कोफिशियंट निकालना सी, इसके लिए कॉन्स्टेंट टर्म्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग कॉन्स्टेंट टर्म्स इक्वेट करेंगे तो जीरो आ जाएगा, इधर ए आएगा और प्लस में सी आएगा। तो यहाँ पर हम अगर वैल्यू रखें तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू वन बाई थ्री आ गई है, ये वैल्यू उठा कर रख देंगे तो एक्स अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन की आ जाएगी वैल्यू माइनस में वन बाई थ्री एक्स प्लस वन, प्लस में बी की वैल्यू है वन बाई थ्री एक्स, सी की वैल्यू भी वन बाई थ्री है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये वैल्यू हमने यहाँ से उठा कर ली थी, यहाँ से तो यहाँ वापस रख देंगे तो आई बराबर आ जाएगा थ्री बाई टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब प्लस वन माइनस में थ्री बाई टू, इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस में थ्री बाई टू है, यहाँ पर जो वैल्यू रखी थी उसके स्थान पर रख रहा हूँ माइनस वन बाई थ्री एक्स अपॉन एक, प्लस में इसमें से वन बाई थ्री कॉमन ले लें तो एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन ये हमने ले लिया। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्वेश्चन हमारे पास बन गया है, ये वैल्यू पुट करने के बाद में हमारे यहाँ तक क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया है, इसको दो से मल्टीप्लाई किया है, फिर इसमें एक जोड़ा है घटाया, हम इसका डिफरेंस दो एक्स माइनस एक बनाना चाह रहे हैं तो वो करने के लिए ये यहाँ से दो से मल्टीप्लाई करके एक जोड़ दिया, एक घटा दिया, अब ये यहाँ से कैसे कैसे उतार लेंगे, इसके बाद में इसको सोल्व करेंगे। अगले स्टेप में हमने यहाँ इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ दो भागों में बांट दिया टू एक्स माइनस वन डी एक्स में, और ये थ्री अपॉन फोर ये कर दिया, इसको अब आधा करके इसका स्क्वायर करके ऐड करके प्लस माइनस को परफेक्ट स्क्वायर बदल दिया है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, आई बराबर थ्री बाई टू लॉग ऑफ एक्स की तीन प्लस वन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये थ्री बाई फोर वन बाई रूट तीन बटे दो टेंजेंट इनवर्स एक्स माइनस एक बटे दो अपॉन में रूट थ्री बाई टू प्लस ही। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे, ये दो से कट रहा है, ये रूट थ्री से कट जाएगा तो आई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, इसका ये यहाँ पर इंटीग्रेशन कर दिया, कैलकुलेशन कर दिया तो इस तरह से हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन आ गया।